नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य के सीमांत क्षेत्र गढ़वा गोदरमाना कन्हर नदी पर बन रहे पुल का किया गया निरीक्षण। रंका अनुमंडल से आकाशदीप की रिपोर्ट। गढ़वा रंका अनुमंडल क्षेत्र में बन रहे पुल पर अस्थायी कैंप एवं कोरोना वायरस जहां सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SDM राजेश कुमार लिंडा को कई निर्देश दिए। बताते चले कि 143 राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड व छत्तीसगढ़ की सीमा को जोड़ती है। यही एक ऐसा मार्ग है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य के विभिन्न बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। इसी मार्ग से हजारों की संख्या में पिछली बार झारखंड नंबर 2 प्रवेश किए थे, जिससे कोरोना महामारी झारखंड में फैली हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सरकार ने झारखंड राज्य के सभी सीमांत क्षेत्रों में कड़े निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति झारखंड में बगैर कोरोना जांच के कोई प्रवेश न कर सके। सीमांत क्षेत्र के दौरे पर आए आयुक्त जटाशंकर चौधरी एवं DIG राजकुमार लकड़ा ने सरकार द्वारा निर्देशित आदेशों को सख्ती पूर्वक लागू करने के निर्देश दिए। ई पास की किसी भी शर्त पर वाहनों को प्रवेश न करने के देने की बात कही। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले कड़ाई से पेश आने का निर्देश स्थानीय अधिकारी को दिए। प्रमंडलीय आयुक्त के दौरे पर DIG के साथ रंका के SDM राजेश कुमार लिंडा, रंका DSP, रंका थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी, रंका CO शंभू राम सहित सुरक्षा बल के जवान उपस्थित थे।